all mothers want their children to be creators and problem solvers. And that is why I've decided to teach my children the most important language today in the world, coding. Most important language in the world, coding. सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड इंग्लिश है. इंग्लिश के अलावा कोई भी इम्पोर्टेंट लैंग्वेज नहीं है. कोडिंग तो बिल्कुल नहीं, कोई कोडिंग तो टॉप 10 में भी नहीं आएगी. तो कोडिंग इज नॉट अ लैंग्वेज, इट्स लाइक अ कोर्स, इट्स लाइक अ समथिंग, इट्स अ स्किल. इफ यू डू कोड, इट्स लाइक यू हैव अ स्किल. दैट्स अ होल डिफरेंट थिंग. पिछले वीडियो में मैंने बताया कि व्हाइट हैट जूनियर के लोग एड्स बता के लोगों को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, कैसे गरीब इंसानों को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं, और पेरेंट्स जो भी वो एड्स देख रहे हैं वो कैसे मैनिपुलेट हो रहे हैं, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था. तो अब आज हम देखेंगे कुछ एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो हमारे किसी भाई ने कंडक्ट किया व्हाइट हैट जूनियर्स के टीचर्स पे. आखिर देखते हैं ये टीचर्स पढ़ाते कैसे हैं. तो उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया. तो जो ट्रायल क्लास वो दे रहे हैं, वो ट्रायल क्लास में खुद एनरोल की, मतलब अपने किट के नाम पर, वो उसने बस ऐसे ही देखने के लिए कि टीचर कितना टैलेंटेड है या फिर कितना नॉलेजेबल है, आखिर वो उतना मनी देने के काबिल है या नहीं, ये बस ये चेक करने के लिए उस भाई ने किया कंडक्ट एक एक्सपेरिमेंट, जिसको देखने के बाद ना आप शॉक हो जाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक काम करिए, नो वरीज, गेट योर सेल्फ एनरोल्ड. जो भी डाउट्स हैं हम उसको जब मॉड्यूल 1 में वो पढ़ेगी तो होगा ना. अगर पहले एश्योर करोगे तो ही हम पैसे दे पाएंगे ना. बिल्कुल सही. अगर आप पहले ही बताएंगे कि आप क्या पढ़ाने वाले हैं, किसे पढ़ाने वाले हैं, किस तरह से वो हेल्पफुल होगा अपने किड्स को, तो पहले ही बता देंगे तो एनरोल करने में आसानी हो जाएगी. ट्रायल क्लास का मतलब यही होना चाहिए. लेकिन ये लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं, बस बता रहे हैं और सिर्फ छट रहे हैं. और जिन लोगों को पता नहीं, मैं उनको बता दूं कि व्हाइट हैट जूनियर की फीस अगर देखेंगे, ये फीस एक कई ऑनलाइन एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज में कोई कई एक ऐसा सिस्टम है कि वो कोर्स के लिए चार्ज करते हैं. लेकिन ये लोग ऐसा नहीं, ये जो कोर्स के लिए चार्ज नहीं करते, ये लोग क्लासेस के लिए चार्ज करते हैं. मतलब जितने क्लासेस आप लोगे उतना ज़्यादा आपका वेटेज बढ़ेगा. और किसको पता, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर बाय अ कोर्स पे क्लिक करते हैं, चेकआउट करते हैं, होली मोली, ये देखो इंट्रोडक्शन टू कोडिंग ऐप डेवलपमेंट सर्टिफिकेट और एडवांस कोडिंग विद द स्पेस टेक, ये सारे, ये टोटल 3 प्लान हैं इनके और ये प्लान के स्पेसिफिकेशंस हैं. और यहाँ पे देखो 5,999 रुपये, वो भी सिर्फ 8 क्लासेस के. सिर्फ 8 क्लासेस के वो लेंगे 6,000 रुपये. 6,000 रुपये कोई बेवकूफ़ी होगा जो 6,000 रुपये सिर्फ 8 क्लासेस को 8 क्लासेस के लिए देगा, और वो सिर्फ बेसिक ऑफ कोडिंग होगा. बेसिक ऑफ कोडिंग अगर आप इंटरनेट पे सर्च करते हो तो फ्रीली अवेलेबल है. फ्रीली यूट्यूब पे हो या किसी और प्लेटफॉर्म पे हो, फ्रीली अवेलेबल डेटा आपको मिलेगा, जहां से आप जितना चाहे उतना स्टडी करते हो बेसिक ऑफ कोडिंग का. लेकिन ये लोग कोडिंग की क्लासेस देंगे इंट्रोडक्शन, वो भी सिर्फ 8 क्लासेस, उससे ज़्यादा नहीं. 8 क्लासेस के लिए आपको चार्ज करेंगे 8 क्लासेस 6,000 रुपये, मतलब अराउंड 800 रुपीज़ पर क्लास. मतलब होली शिट, मतलब एक क्लास के वो चार्ज करेंगे टोटल 800 रुपये. और किड्स तो इतने ब्रिलियंट नहीं होते, इतने ब्रिलियंट माइंड नहीं होते. ब्रिलियंट माइंड बड़ों को भी बहुत मुश्किल है, हमारे देशों के ही मुश्किल है कि 8 क्लासेस में आप सारा बेसिक्स ऑफ कोडिंग कवर कर लेंगे. इट इज़ हाईली इम्पॉसिबल. और 8 क्लासेस में ये दावा करते हैं कि वो किड्स को जो 6 साल से 14 साल की एज वाले हैं, उनको वो इंट्रोडक्शन पूरा बता देंगे कोडिंग का. होली शिट. और अगर आप दूसरा प्लान चेक करते हो, देखो 48 क्लासेस, ओनली 48 क्लासेस फॉर 33,999 रुपीज़ और 700 रुपीज़ पर क्लास. चलो ये क्लास कितने का हो सकता है, मतलब चलो ठीक है 800 रुपये का क्लास है, मान लेते हैं ये भी ठीक है. 800 रुपये का क्लास होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटा तो क्लास लेंगे नहीं, तो कम से कम उनका शेड्यूल रहेगा कि वो दिन भर में या 4 या 5 घंटे का क्लास लेंगे. 4 या 5 घंटे के क्लास में आप कितना पढ़ा सकते हो एक बच्चे को, इसके और ये क्लासेस अटेंड करने के लिए आपका डेटा का जो फीस लगेगा वो अलग, वो सबको कैलकुलेट करके देखा हो. तो ये जो है ना, ये बिल्कुल ही बकवास है, बेवकूफ़ी होगा कोई जो कोर्स एनरोल करेगा. और अब इनका थर्ड क्लास देखो 144,
फॉर एडवांस कोडिंग विथ स्पेस टेक। स्पेस टेक ये सब कुछ सिखा देंगे, लाइफ टाइम एक्सेस होगा स्पेस टेक का, और टॉप 1% सिलिकॉन वैली मेंटोरशिप, सिलिकॉन वैली का मेंटोरशिप मिलेंगे ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपये। 1,00,000 रुपये दो आप 144 क्लासेस के लिए। 144 क्लासेस वुड बी लाइक 5 या 4 महीने में आपके 144 क्लासेस खत्म हो। खाते हैं क्या है देखें तो सही। हम भी क्योंकि इंटरनेट पे आजकल कोडिंग का सब जगह चलता है कि कोडिंग करने से, बिल्कुल सही, इंटरनेट पे सब कुछ कोडिंग की ही बेस है, कोडिंग को ही बेस बना के सब कुछ किया जाता है, तो अच्छा होता है करियर, इसलिए हम सिखाना चाहते हैं। लेकिन इंटरनेट पे जो हमने क्वेश्चन सर्च किए अब हमको तो समझ नहीं आया, इसलिए वन ऑन वन हमने सिखाने की कोशिश की कि आप जो डाउट आएगा किसी भी मोमेंट पे उसको आप बता दोगे। लेकिन आप तो बड़े फिक्स पैटर्न पे चल रहे हो कि एक्टिविटी 1, 2, 3, 4 होगी उसी के हिसाब से लेगा, अगर इतने फिक्स पैटर्न पे, बिल्कुल सही, पैटर्न कौन फॉलो करता है, हम ही लोगों ने कितने सारे टाइम टेबल बनाए होंगे, जिंदगी भर टाइम टेबल भी नहीं करती कि आज इतने घंटे तक पढ़ाई करेंगे, उतने घंटे तक सोएंगे, उतने घंटे तक खाएंगे, लेकिन कौन फॉलो करता है इस चीज़ को अब। और ये तो फिर भी बच्चे हैं, बच्चों से कुछ नहीं होने वाला, ये तो अपने खुद के डेली रूटीन से बाहर नहीं निकल सकते। ऐसे बच्चों को आप कोडिंग सिखाने का दावा करते हो वो भी एक फिक्स्ड पैटर्न पे, कौन इन सबको। और एक बात, अगर आपने कोर्स इनरोल कर भी लिया इन केस, तो आपको अपने बच्चों को संभालना पड़ेगा, उनको रोज़ बिठाना पड़ेगा कंप्यूटर के सामने, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो मोबाइल के सामने तो कुछ होगा नहीं। तो ओवरऑल इट्स योर वर्क इज गोना बी मोर देन दैट ऑफ योर किड। चलना था फिर तो यूट्यूब या फिर किताब से पढ़ लेगा कोई, बिल्कुल, वन ऑन वन का तो यही फायदा ना, जिस मोमेंट पे डाउट आया क्वेश्चन और फिर जवाब मिल जाएगा। नहीं सही बात है, तो क्वेश्चन आपको जवाब तब मिलेगा ना जब आप थोड़ा एनरोल भी करिए, सब कुछ ट्रायल क्लास में नहीं पूछ सकते, आप एनरोल कीजिए पहले, बाद में हम सब बता देंगे। ये ना मार्केटिंग टैक्टिक है, ये सब जगह होती है, हर जगह होती है सलाह। ये पहले बोलते हैं कि आप पहले करके तो दिखिए, उससे पहले सब्सक्रिप्शन तो ले कर तो दिखिए, और हाँ सब्सक्रिप्शन के पैसे ना रिटर्न नहीं होने वाले। बता दूंगी सर, तो फिर मैं किस लिए बैठी हूँ सर, एक बात बताइए, अगर मैं सब कुछ ट्रायल क्लास में बता दूंगी तो सर मैं तो रोटी कहाँ से खाऊंगी फिर। बिल्कुल सही, यही तो बात है। तो इनका दावा है कि ये 6,000 से भी ज़्यादा बच्चों को आप तक एनरोल करवा चुके हैं, ये मैंने बोल रहा हूँ उनके ऑफिशियल साइट पर। तो अगर 6,000 बच्चों को पढ़ाएंगे, कम से कम आधे टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी, समझ रहे हो, वन ऑन वन है तो जितने अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स उतने अमाउंट ऑफ टीचर्स भी चाहिए, और उनको सैलरी देना होगा। तो ये सैलरी कैसे कमाएंगे, जब तक आप एनरोल नहीं करोगे, अपना पैसा बर्बाद नहीं करवाओगे, तब तक ये सैलरी कहाँ से मिलेगी वो? नहीं रोटी तो आपको मिल जाएगी भगवान, नहीं कहाँ से मिलेगी सर, आप ही बताइए। अगर मैं सारा ज्ञान ट्रायल क्लास में दे दूँ सर, आप IIT में पढ़ते हैं तो सर मैं पेड क्लास में क्या पढ़ाऊंगी सर? मैम आपने कभी स्कूटी या बाइक खरीदा है? उससे क्या फर्क पड़ता है मैं स्कूटी चला पाती हूँ कि बाइक खराब चला पाती हूँ? 3-4 दिन नहीं, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी अगर इतना कोर्स खत्म होने के बाद भी, करने के बाद भी अगर उसको कुछ नहीं मिला। और जितने भी लोगों को कोडिंग का ज्ञान नहीं है ज़्यादा, मतलब दुनिया भर में बहुत से लोगों को कोडिंग के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग सोचेंगे कि ये साला ये हमारा बच्चा तो कोडिंग का कोर्स ले लेगा, कोडिंग कोर्स ख़त्म करने के बाद सीधा बिल गेट से जाके मिलेगा, ज़करबर्ग से जाके मिलेगा, उनकी कंपनी में कोई हायर कर लेगा इनको। ऐसा नहीं होने वाला भाई, अगर ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल छोड़ दे ऐसा सोच। स्क्रिप्ट के परे आपको कुछ आइडिया नहीं है? और वो हम C++ में काम करते हैं उसमें। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है सर? क्या मतलब होता है इसका? वही तो आपसे पूछ रहा है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर कोई भी कोडिंग का टीचर है या कोडिंग की थोड़ी सी भी नॉलेज है उसको, तो वो बता देगा इजीली कि हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन, आप बताइए ना सर। मुझे तो नहीं पता है ना हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है जावा, उसी से यूज करते हैं तो। ओके, बस एक पॉइंट पे ना उनकी सारी नॉलेज बता रही है,
तो मैंने जैसा कि बताया कि इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही इक्वल नंबर ऑफ टीचर्स को हायर करना पड़ेगा वाइट हैट जूनियर को अगर उनको इस ऐप को चलाना है तो। अगर ऐसा वो करते हैं तो इतने ज़्यादा टीचर्स को सैलरी कैसे देंगे? तो इससे बड़ी चीज़ है कि इतने ज़्यादा टीचर्स को लाएंगे कहाँ से? तो वो क्या कर रहे हैं, सारे ग्रेजुएट जितने भी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट घर पे बैठे हैं इस लॉकडाउन पे, तो उनको बस एक छोटा सा प्रपोजल देना है तो सब लोग मान जाएंगे 5000 के लिए, तो सब लोग आ जाएंगे। रोज़ एक क्लास उनको करवाना है तो इसी से वो लोग खुश और ये वाइट हैट जूनियर का काम भी बन गया और इन्होंने आसानी से पैसा भी बना लिया। यही हो रहा है, ये बिजनेस चला रहे हैं पूरा। अब मैं उसके अलावा क्या बताऊं? कुछ मत बताइए प्लीज़, ख़त्म हो गया। और बेशर्मी को, बेशर्मी की हद मैं बताता हूँ वाइट हैट जूनियर ने क्या किया है। बेशर्मी की हद तो वहाँ पर होती है जब हमारे फेमस सेलिब्रिटीज लाइक सोनू सूद और फराह खान और माधुरी दीक्षित, ऋतिक रोशन जैसे कलाकार जो है इस ऐसे एक चीज़ का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। वैल वह तो पैसा लेंगे बेटा, लेकिन ये देखिए हमारे सेलिब्रिटीज क्या कर रहे हैं। यार बच्चों के लेके ना बड़ी टेंशन रहती है, पता नहीं क्या करेंगे कल, जो मन में आएगा वो करेंगे। अब मैं तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं देने वाला। अरे वो सब तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकल बनना, तुझे पता है ना दुनिया कितनी बदलने वाली है। ऑफ कोर्स इसीलिए तो whitehatjunior.com पर उनको कोडिंग सिखा रहा हूँ। तो तुझे पता है कि जो आज जॉब है कल 80% नहीं रहने वाले। हाँ बिल्कुल, 80% जॉब ना फ्यूचर में नहीं रहने वाले क्योंकि AI टेक्नोलॉजीज उनको अडॉप्ट कर लेंगे, इसमें कोडर्स का कोई लेन देन नहीं है। और आपको किसने बताया कि 80% कोडर्स की जॉब रहने वाली है? कोडर्स भी डेंजर में हैं। अगर आप जाके सर्च करेंगे, एक वेबसाइट है जिसका नाम है विल रोबोट्स टेक माय जॉब, अगर आप छोटा सेंटेंस वहाँ पे टाइप करेंगे तो आप जाएंगे सीधा इस वेबसाइट पे। और वेबसाइट पे जाओ और चेक करो, फ्रीली अवेलेबल वेबसाइट है और यहाँ पे आप किसी भी जॉब का नाम टाइप करके देख सकते हैं कि इन फ्यूचर आपकी ये टेक्नोलॉजी या रोबोट्स आपकी जॉब लेंगे या नहीं लेंगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर और एप्लीकेशन प्रोग्रामर, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स अराउंड 48% चांस है कि आपकी जॉब चली जाएगी फ्यूचर में, समझ रहे हो? ये वेबसाइट फ्रीली अवेलेबल है, आप चाहे तो खुद जाके चेक कर सकते हैं। जस्ट टाइप कीजिए विल रोबोट्स टेक माय जॉब और सर्च कीजिए वहाँ पे जितने भी जो भी आपको जॉब के बारे में सर्च करना है कि अगर आपको लगता है कि आपकी जॉब इन फ्यूचर रोबोट्स के रोबोट से रिप्लेस हो जाएगी तो आप सर्च करेंगे तो 48% कंप्यूटर प्रोग्रामर्स की चांस है और 70% कोडर्स की चांस है कि उनकी जॉब इन फ्यूचर चली जाएगी। और ये भाई साहब ऐसे बता रहे हैं जैसे 80% जॉब चली जाएगी, तो किसकी जाएगी वो भी तो देखना चाहिए ना यहाँ पे। और मुझे ये भी पता है कि कल के ज़माने में अगर बिजनेस चलाने हैं तो कोडर्स और कोडिंग्स ही चला सकते हैं और वाइट। तो लेट मी क्लियर समथिंग, कोडर्स और कोडिंग और बिजनेस का कोई लेन देन नहीं है। कोडर्स सिर्फ एप्लीकेशन डेवलप करते हैं और वो मार्केट में चलना या ना चलना वो सब डिपेंड करता है उनके दिमाग पे कि वो क्या बना रहे हैं और किस चीज़ के लिए हैं, उनका प्लेटफॉर्म क्या है, ये सब अलग अलग चीज़ें हैं। और बिजनेसमैन वो बिल्कुल अलग चीज़ है, इसको जोड़ के क्या समाना क्या करना चाह रहे हैं, क्या साबित करना क्या चाहते हैं। आपको तो पहले ही पता होगा कि इससे पहले भी बहुत से महान कलाकार ऐसे हो चुके हैं जो बस पैसों के लिए कुछ भी बोलने के लिए तैयार हैं और लोग इन सब को सुनते रहेंगे, अपनी चुतिया कटवाते रहेंगे। In my life, I've been a choreographer, a director, a producer, an actor. But I think the most choreographer, producer, actor, ये show off करने आई है यहाँ पे, हाँ? इसपे पैसा देके इसको show off करने के लिए बताया है साला। Important hat that I've worn in my life is that of a mother. And as a mother, I want my children to get the addiction of creativity. पहली बात तो ये कि ये जो बच्चे हैं इसके बच्चे बिल्कुल नहीं हैं, बस दो गरीब दिखने वाले बच्चों को उठा के लाओ वीडियो में चिपका दो, बस हो गया मार्केटिंग। एडिक्शन ऑफ क्रिएटिविटी।